ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए अब नजर डाल लेते हैं कुछ और खबरों पर। सलमान खान मुस्लिम है इसलिए उन्हें जल्दी जमानत मिल गई, ये कहना है बीजेपी सांसद साध्वी प्राची का। उनके इस विवादित बयान को लेकर मुस्लिम धर्मगुरुओं ने जहां कड़ी आपत्ति जताई तो वहीं नेताओं ने भी उनके इस बयान की जमकर निंदा की। भारतीय जनता पार्टी की सांसद और विश्व हिंदू परिषद की नेता साध्वी प्राची ने एक बार फिर विवादित बयान देकर एक नई बहस छेड़ दी है। साध्वी ने इस बार निशाना साधा है सुपरस्टार सलमान खान पर, जिन्हें शुक्रवार को हिट एंड रन केस में हाईकोर्ट से बेल मिली है। प्राची ने कहा सलमान खान को बेल सिर्फ इसलिए मिली है क्योंकि वो एक खान यानी मुसलमान है, अगर वो खान नहीं होते तो उन्हें बेल कभी नहीं मिलती। साध्वी ने कहा कि ऐसे में एक बार फिर से गरीबों के साथ अन्याय हुआ है। ये सरासर गलत है, बल्कि मैं कहूंगी कि खान है तभी गरीबों के साथ में अन्याय हुआ है। अगर खान नहीं होते तो आज गरीबों के साथ में निश्चित रूप से न्याय होता। प्राची के इस बयान पर मुस्लिम संस्थाओं की तीखी प्रतिक्रिया भी देखने को मिली। साध्वी का यह बयान बहुत ही ज्यादा अफसोसनाक है, ऑब्जेक्शनेबल है, और एक तरीके से उन्होंने अपने इस बयान के जरिए से हमारे मुल्क हिंदुस्तान की अदलिया के निज़ाम पे, जुडिशियल सिस्टम पर उंगली उठाई है। उनको इस बात को अपने जहन में रखना चाहिए कि इन सब मामलात में अदालतें मजहब की बुनियाद पर फैसले नहीं दिया करती हैं, बल्कि जाहिर सी बात है फैक्ट्स एंड फिगर्स की और सबूतों की बुनियाद पर फैसले दिया करती हैं। ये लोग चाहे जिस कम्युनिटी के भी हो, हम किसी कम्युनिटी के बारे में, ये लोग जो है बिल्कुल एस्कॉट फ्री जा रहे हैं। और अब हमारे पास एक ही तो जगह बची है जहां से हमको उम्मीद की किरण नजर आती है कि कोई अगर बेइंसाफी होगी तो हमको जुडिशरी इंसाफ दिला देगी। आप अगर उस जुडिशरी को भी मलाइन करना शुरू कर दें, उसके अंदर भी आप रिलीजन को ले आए, उसके अंदर भी उनके इंटेंशंस को ले आए, तो ये बहुत ही अफसोसनाक बात है, कंटेम्पचुअस बात है और इसके ऊपर सख्त एक्शन होना चाहिए। वहीं मुख्य विरोधी कांग्रेस ने भी हिंदुत्ववादी नेता के बयान की जमकर निंदा की। तो मैं समझता हूँ कि जो न्यायालय ने जमानत दी है, जितना मेरा अनुभव है, मैंने पहले भी कहा था जमानत देनी चाहिए और दिया गया है तो पूरी तरह मेरिट पे दिया गया है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के आधार पर नहीं दिया गया। साध्वी प्राची इससे पहले भी विवादास्पद बयान देती रही है। साध्वी प्राची ने इससे पहले मदर टेरेसा पर धर्मांतरण का आरोप लगाने के साथ साथ बॉलीवुड के तीनों स्टार खान की तस्वीरें जलाने का फरमान भी सुनाया था। अब बात नए नेवल बेस की। भारत के अग्रणी नेताओं में से एक सरदार पटेल के नाम पर बना नेवल बेस आज भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया। गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने इसे नौसेना प्रमुख आरके धोवन को सौंपा, जहां धोवन ने इसे भारतीय नौसेना के संचालन को और बेहतर बनाने वाला बताया। अरब सागर के किनारे नौसेना के नए बेस आईएनएस सरदार पटेल को आज राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया। गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने अरब सागर के किनारे नौसेना के नए बेस आईएनएस सरदार पटेल को औपचारिक तौर पर नौसेना को सौंपा। इस दौरान भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल आरके धोवन और प्रमुख अधिकारी भी वहां मौजूद दिखे। धोवन ने नए नेवल बेस को लेकर संतुष्टि जताई और कहा कि ये नौसेना के संचालन, प्रशासन और परिचालन में मदद करेगा। तो ये जो बेस जो कमीशन हुई है, ये हमें सहूलियत देगी कि हम जो हमारे जहाज, हवाई जहाज या पनडुब्बियां गुजरात के तट पे हम डिप्लॉय करें, उनको मॉनिटर करेगी, उनको कोऑर्डिनेट करेगी। जो कोस्टल सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स होंगी, क्योंकि बाकी कई सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, स्टेट एजेंसीज हैं, सेंट्रल एजेंसीज हैं, उनका कोऑर्डिनेशन भी ये आईएनएस सरदार पटेल के द्वारा किया जाएगा। वहीं नौसेना प्रमुख ने वॉरशिप्स, दूसरे जरूरी समुद्री जहाजों और उपकरणों को भारत में ही विकसित करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया कैंपेन के तहत अब समय आ गया है कि हम बड़ी बड़ी मशीनरीज का निर्माण पूरी तरह से देश में ही करें। इट इज आवर एंडेवर दैट वी शुड प्रोग्रेसिवली इंक्रीज द इंडिजिनस कंटेंट सो दैट फ्यूचर वॉरशिप्स एंड सबमरीन्स are 100% made in India. And this is in keeping with the Honorable Prime Minister's vision of Make in India, and the Indian Navy has taken the lead, and it is our endeavor to see that all our future warships and submarines will be made in our own shipyards in India. नौसेना के नए आईएनएस सरदार पटेल बेस की वजह से गुजरात में समुद्र के किनारे से अरब सागर में निगरानी रखना आसान हो जाएगा। गुजरात में 880 नॉटिकल मील लंबा समुद्री तट है। इसके अलावा गुजरात पाकिस्तान के साथ 532 किलोमीटर लंबी लैंड बाउंड्री साझा करता है।
अब खबर घुसपैठ से जुड़ी। जम्मू कश्मीर के पूंछ जिले में मारे गए आतंकी के शव का आज परीक्षण किया गया और पुष्टि हुई कि ये सीमापार से आया आतंकी था। इससे पहले शुक्रवार को आतंकी के घुसपैठ की कोशिशों को भारतीय सेना ने नाकाम करते हुए इसे मार गिराया था और हथियार सामग्री बरामद की थी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में नियंत्रण रेखा से सैनिकों ने एक घुसपैठ के प्रयास को विफल कर दिया है। इस दौरान एक संदिग्ध आतंकवादी मारा गया जिसने सेना की वर्दी पहन रखी थी। सेना के जनसंपर्क अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल मनीष मेहता ने बताया कि सेना की 12 सिंघा बटालियन का एक गश्ती दल शुक्रवार सुबह 8:50 पर मेंढर के सुनी गली अग्रिम क्षेत्र में गोलीबारी की चपेट में आ गया। सैनिकों ने तुरंत मोर्चा संभाला और जवाबी कार्रवाई की जिससे संदिग्ध आतंकवादियों के साथ भारी गोलीबारी शुरू हो गई और वहां छुपा एक घुसपैठिया मारा गया। वहीं मेंढर जिला अस्पताल के डॉक्टर ने आज आतंकी के शरीर का परीक्षण किया और संबंधित जानकारी दी। SHO पुलिस स्टेशन मेंढर ने अलोंग विद आर्मी पार्टी जो अपने को महारेजिमेंट के तौर से जानी जाती है, उन्होंने एक बॉडी यहाँ पर लाई है कि एज ए मिलिटेंट गन डाउन हुआ मॉर्निंग में सोना गली के करीब, इन्फिल्ट्रेशन कर रहा था बॉर्डर में, तो उसको लाया टॉपसी के लिए। तो हमने अपनी तरफ से या अपना जो हमारा सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मेंडर, सब जिला अस्पताल मेंडर है, यहाँ पर टॉपसी जिसको हम पोस्टमार्टम भी कहते हैं, उसकी सारी फॉर्मेलिटीज जो भी हैं लीगल बनती थी वो कंप्लीट की हैं। वहीं स्थानीय लेफ्टिनेंट कर्नल मेहता ने बताया कि मुठभेड़ स्थल से सैनिकों ने एक कथित घुसपैठिए का शव, एक AK राइफल, 4 मैगजीन, 28 गोलियां, 2 हथगोले, 1 GPS एवं अन्य सामान बरामद किए हैं। उन्होंने बताया कि मारे गए संदिग्ध आतंकवादी ने सेना की वर्दी और अच्छे गुणवत्ता के ट्रैकिंग जूते पहन रखे थे। आज की खबरों में इतना ही। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV Asia। नमस्कार।